बनाएंगे केसरिया मीठे चावल। इसके लिए लिया है हमने 1 कप बासमती राइस। इन चावलों के हमने अच्छे से धो के 1 घंटे भिगो लिए। अब एक कढ़ाई में ये चावल डाल लें। ये 1 कप चावल है इसलिए हम इसमें 3 कप पानी डाल दें। बिल्कुल थोड़ा सा फूड कलर डालें। गैस को ऑन कर दें। एक बार इसमें उबाल आने दें। पानी में उबाल आ चुका है। इस तरीके से चावल बनाने से बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। अब गैस को धीमी कर दें। इन्हें ढक दें। धीमी आंच पे चावल जब तक ना उबले तब तक इसे ऐसे ही रहने दें। बीच बीच में चेक कर लें। चावल उबल रहे हैं। बीच बीच में ढक्कन निकाल के चेक कर लें। चावल कुछ इस तरह के हो गए हैं। सीज भी चुके हैं। थोड़ा पानी और सूखने दें। चावल इस तरह के हो चुके हैं। अब इसमें ये 1 कटोरी चीनी डाल दें। हमने 1 कप चावल लिया था इसलिए 1 कप चीनी ले लें। गैस को धीमी आंच पे ही रहने दें। इन्हें बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाएं। चावल करीब हो चुके हैं। इन्हें धीमी आंच पे रहने दें। चावल हो रहे हैं। इतने एक तड़का लगाने वाले में 2 टीस्पून घी डाल लिया है हमने। घी को गर्म होने दें। घी गर्म हो चुका है इसमें ये लौंग इलायची डाल दें। अब इसके ऊपर ये घी डाल दें। थोड़ी सी किशमिश डाल दें। गैस को एक बार बंद कर दें। चावल बन चुके हैं। अब इस पे ये थोड़ा इलायची पाउडर, थोड़ी केसर की पत्ती। केसर आप चाहें तो दूध में भिगो के भी दे सकते हैं। पर चावल गर्म है अभी, ये ऐसे ही इन्हें हल्के हाथों से मिक्स करें। केसरिया मीठे चावल रेडी है। ये देखिए कितने खिले खिले बने हैं। इन्हें बस अब ढक के छोड़ दें, फिर गर्मा गर्म सर्व करें। मीठे चावल रेडी है। इन्हें गर्मा गर्म सर्व करें। कटे हुए बादाम डाल के किशमिश आप अपने चॉइस से ले सकते हैं। आपको किशमिश पसंद ना हो तो न डालें। इस तरीके से बनाने से बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बन जाते हैं।